एल्बम आवता एक मिनट ओमकार दुबे जी लेके आवतनी बहुत सुंदर एल्बम सैड सॉन्ग ओ बाबू के आप सब प्यार आशीर्वाद दी ही सब है और भोजपुरी खाती बहुत सारा मैंने अनगिनत एल्बम गोल लगतनी समाचार बटुए बरहपुर से रिपोर्टर बानी दिनेश ओझा जी। बरहपुर में जुटले कई गो कवि या गायक कलाकार गीतकार भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी के मनावल गई जयंती। खबर का बा सब बताई भोजपुरिया समाचार नामी गिरामी गीतकार के बयान भी सुनाई भोजपुरिया समाचार। चैनल पर नया बानी तो बेल आइकॉन के बटन दबा के सब्सक्राइब करी, फेसबुक पेज पर देखतानी तो फॉलो करी, देखला के बाद शेयर जरूर करी। कृष्णा इन्फोटेक ट्रस्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र बरहपुर में 25 तारीख के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी के जयंती मनावल गई। जौना में श्री राम भगवान मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी के तैलचित्र पे पुष्पांजलि दे के दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम के शुरुआत कैल गई। कार्यक्रम में आयल अतिथि के अंग वस्त्र से सम्मानित कैल गई। जौना में बक्सर जिला के हिंदुस्तान के ब्यूरो मनोज कुमार सिंह कवि सम्राट रत्नेश ओझा राही दिनेश ओझा विक्की श्रीवास्तव पीरो दैनिक जागरण के संजय मिश्रा अरुण शर्मा जय प्रकाश ओझा हेहर जी अनिल स्नेही भोजपुरी गीतकार राजन भट्ट गायक अभिनंदन कुमार सहित दर्जनों पत्रकार कवि गायक उपस्थित रहल। कार्यक्रम में संस्थान के छात्र छात्रा महामना मदन मोहन मालवीय अटल बिहारी वाजपेयी के जीवनी पे प्रकाश डलने रत्नेश ओझा राही जय प्रकाश ओझा कविता के माध्यम से दोनों महापुरुष के जीवन के बारे में बतैलन। कार्यक्रम में कलाकार भक्ति गीत गा के श्रोता के भक्ति के रस में डूबो दिलन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सेवा प्रमुख शिवजी पांडे भाजपा नेता महेश पांडे नित्यानंद ओझा शिव शंभू पांडे आशीष रंजन ठाकुर जिला मंत्री ब्रजेश चौबे जीवत शाह रतन कुमार ओझा विनोद कुमार गुप्ता प्रभस राम बुद्धदेव ओझा रंजीत कुमार संस्थान के छात्र सहित सैकड़ों के संख्या में लोग रहन। आज हम मौजूद बने ब्रह्मपुर में और हमरा बीच एगो बहुत ही मशहूर भोजपुरी के गीतकार अनिल तिवारी उस अनिल स्नेही जी मौजूद बने। आई इनका से यहाँ के परिचय जानल चाहता नहीं ओकरा बाद आगे बात करेंगे। पहले तो जोना चैनल से हमारा इंटरव्यू होता उस चैनल के बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब हमरा के देखत नहीं और हमरा साथे बहुत ही मने बढ़िया लेखन करे वाला हमर बड़ भाई दिनेश ओझा जी के बीच में आज आप सभी के आशीर्वाद से मौका मिलल कुछ बोले के। और भोजपुरी जगत में अश्लीलता के खिलाफ है वो जंग बा और हम ये कहब कि जितना भी राइटर बड़े हमारे भोजपुरी जगत में लिखे वाला भाई लोग अपने अंदर कुछ आप लोग झांकिए देखिए कि हम क्या लिख रहे हैं पब्लिक के बीच में। हमारी लेखनी अगर जा रही है तो किस विधा पे जा रही है, क्या इसका लोग रिस्पॉन्स देंगे। आप लोग व्यू पे मत जाइए। गीत संगीत का मतलब हुआ कि माँ बहन बेटी सब लोग बैठ के घरों में सुने। और हमारे बड़े भैया बिमलेश त्रिपाठी बहुत बड़े जाने माने कवि हैं भोजपुरी के। और आप सभी से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे गीतों का सपोर्ट करें और अच्छी चीज़ें सुने। और मतलब मैं इस चैनल के माध्यम से आप सब ये रुआ से आग्रह करब स्नेही जी कि भोजपुरी में ही रुआ अपन बात कही तो अच्छा लगे जी। अति जी भैया कहें कि भोजपुरी में हमारे गीत बहुत लोग अवले बा जैसे कि सिंगर बिमलेश त्रिपाठी सिंगर सपना संगम जी अभिनंदन जी अभी हमारे एल्बम आवता ओमकार दुबे जी लेके आवतनी बहुत सुंदर एल्बम सैड सॉन्ग ओ बाबू के आप सब प्यार आशीर्वाद दी ही सब है। और भोजपुरी खाती बहुत सारा मैंने अनगिनत एल्बम हम दिले बनी अपना जिंदगी में और बहुत जब तक हमने के जिए के बाद अच्छे चीज पर काम करे के बाद। और हमारे जितना भी भोजपुरी श्रोता हमरा के देखत रहे सुनत रहे जानत रहे और हमारे बड़ भाई दिनेश भैया परिचय के मुमताज नहीं की ये हमारे सौभाग्य बा कि आज यहाँ से हमारे मुलाकात भैला
जब यहाँ के सुबह फोन कहीं नहीं आता, बड़ा अच्छा लगा। आज और जन्मदिन भी है भोजपुरी समाचार के तरफ से, और जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई भी बा। आ हम ही जानल चाहतनी कि ये सुने में आई बा कि वह सब स्टेज प्रोग्राम भी करे नहीं। जी जी, अभी तक कितना स्टेज प्रोग्राम वगैरह भी? अभी तक जब से हम गीत लिखा तनी हमारा बुझाता कि हजारों के तादाद में स्टेज शो कैले बनी। हमारा साथे अभी मैंने अभी प्रेजेंट में डॉक्टर सिंगर बिमलेश त्रिपाठी बड़ी, अभिनंदन ओझा जी बड़ी, सपना संगम जी जौन की प्रॉपर हमारे साथे जुड़ल बड़ी और मैंने स्टेज शो करेली। और आप सभी सपना संगम जी के भी, अभिनंदन जी के, नीरज मिश्रा जी के, सिंगर बिमलेश त्रिपाठी के, जितना भी भोजपुरी के लोग अच्छा कलाकार बाकी सब बा प्यार आशीर्वाद दी सब है। और हमने के तो साथे बनी अच्छा गीत रहा सब खोजी खोजब तो हमने के देख जा रहा के। और आप सब जितना भोजपुरी में लोग ऐसे कहता वैसे कहता, हम तो खुद भी बातचीत से दूर रही ला कभी आज तक। पहला बार मने का कहल जाओ, सैकड़ों बार मने मीडिया के सोझावे के कोशिश कर ला। भक्ति गीत भी सुने में आई बा, गिरुआ लिखले बानी सब। जी 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 जी, एगो पचरा हमार जौन बा दशहर बहुत अच्छा बजल है, वही पचरा से मने हमारे बड़ा विश्वास मिलल कि ना और सुंदर गीत लिखे के चाहिए। अभी हम एगो आयरन देवी पर पचरा गोलू राजा जी खातिर लिखले बनी जौन की आप सभी के बीच में बहुत जल्द सुने के लिए। और हमारे एगो लोकगीत बहुत ही भोजपुरी के बेहतरीन गीत, यह बिजली के तारी जवानी हमार, गाने का बोल थोड़ा सा अजीब लगेगा लोगों को लेकिन गीत जब मार्केट में आएगा और आप लोग सुनिएगा। और सपना संगम जी और सिंगर बिमलेश त्रिपाठी ने इस गीत को सजाया है। चलिए, भोजपुरी समाचार से जुड़े खातिर बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन जितेंद्र तिवारी जी के साथ है दिनेश ओझा।